वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले उमंस एनबीए का जो मैच होने वाला है इंडियन फेवर्स वर्सेस फोनिक्स मर्क्यूरी के बीच में। दोनों टीम में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इंडियन फेवर लास्ट के आपने तीन में से दो मैच विन और एक मैच लॉस के साथ आ रही है, और फोनिक्स मर्क्यूरी जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग टीम है WNBA की, लास्ट के सेवन मैचेस में अनबीटन है, एक भी मैच यहाँ पर लॉस नहीं हुई। और दोनों टीम के बीच में रिसेंटली यहाँ पर हेड टू हेड मैच हुआ था, तो वो मैच यहाँ पर क्लोज मार्जिन वाला था। मे बी यहाँ पर 4 पॉइंट के मार्जिन से यहाँ पर फोनिक्स मर्क्यूरी ने वो मैच यहाँ पर विन कर लिया था, लेकिन उस मैच में फोनिक्स मर्क्यूरी की तरफ से इनकी स्टार प्लेयर डिगी स्मिथ एक ही मिनट खेलकर इंजरी हो गई थी उनको, और एक मिनट खेलकर वहाँ पर वो वापस आई नहीं थी, और वो जो मैच था तो वो ड्रीम इलेवन ने यहाँ पर कवर नहीं किया था। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। यह लास्ट मैच की आप WNBA की विनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी रिसेंटली मैचेस की विनिंग देखकर ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट मत करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर दोनों लिंक वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस क्या कुछ है इंजरी अपडेट्स। सबसे पहले फोनिक्स मर्क्यूरी की, तो फोनिक्स मर्क्यूरी की तरफ से आपको एज अ स्टार्टर यहाँ पर करते हुए देखेंगे तरुसाई, 3 पॉइंटर शूटर है। डेगी स्मिथ लास्ट मैच इनका यहाँ पर बेस्ट गया है, रिबाउंड प्लस असिस्ट और पॉइंट तीनों सेक्शन से इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ रहा है। काइनर्स जीएल के रिकमेंडेड, तरुसाई सेंटर फॉरवर्ड की प्लेयर है, रिबाउंड अच्छे खासे करती है, और ग्रीनर इनके यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट क्यों हुए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके बेस्ट है तो क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है, 22.5 क्रेडिट की प्लेयर है, एक हाई क्रेडिट की प्लेयर है। स्टार प्लेयर की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी स्टार प्लेयर है, तोरुसा और गरीनारी सेंटर फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों प्लेयर जो है तो हाइटेड प्लेयर है, और गरीनारी की हाइट सबसे ज़्यादा है, और दोनों यहाँ पर रिबाउंड बहुत ज़्यादा करती है। अगर दोनों में अगर कंपेरिजन करूँ तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक 2021 में सबसे ज़्यादा ब्लॉक करने वाली प्लेयर जो है तो गरीनारी, पर मैच दो ब्लॉक इनके एवरेज है। उसके बाद टर्नर, इनका रैंक यहाँ पर फिफ्थ है सबसे ज़्यादा ब्लॉक करने में, 1.5 के ब्लॉक इनके हर मैचेस में आते हैं। थ्री पॉइंटर शूटर तरुसाई और डेगी स्मिथ यहाँ पर गार्ड की यहाँ पर दोनों बेस्ट प्लेयर है, और यहाँ पर काइनर्स थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो या फिर इनको आप ट्राई कर सकते हो जेल में। लास्ट मैच इनका यहाँ पर बेस्ट गया है और अच्छे खासे पॉइंट इन्होंने लास्ट मैच में भी यहाँ पर दी। बाकी यहाँ पर ये प्लेयर थोड़े से डिफेंसिवली खेलते, बाकी ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर सेक्शन से आपको यहाँ पर पॉइंट देंगे। बाकी लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था यहाँ पर ग्रीनारी की तरफ से, 33 मिनट खेलकर, इससे पहला जो मैच था तो वहाँ पर इंजर्ड थी, फिर भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 25.7 रिबाउंड, 2 असिस्ट और ब्लॉक देखना, 4 ब्लॉक इस मैचेस में आए थे। 2021 अभी जो WNBA की सीरीज चल रही है सबसे ज़्यादा ब्लॉक करने वाली रैंक फर्स्ट है ग्रीनारी का, प्लेयर बेस्ट है, ब्लॉक से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर देंगी। तरुसा इनके यहाँ पर 3 पॉइंटर शूटर है, गार्ड से खेलेंगी, बॉल हैंडलिंग का काम संभालेंगी, असिस्ट प्लस यहाँ पर 3 पॉइंट से आपको यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर देंगी। और जो हेड टू हेड मैचेस का परफॉर्मेंस है, अगर लास्ट मैचेस में अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो लास्ट मैच में ग्रीनरी की तरफ से यहाँ पर परफॉर्मेंस जो आया था, 1 स्टील 1 ब्लॉक, 4 असिस्ट, 5 रिबाउंड और उसी के साथ साथ 18 पॉइंट, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आया था। डिगी स्मिथ का वो मैच यहाँ पर बेस्ट गया था, डबल इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैम्प्ट किए थे, प्लस यहाँ पर असिस्ट प्लस रिबाउंड से भी इनकी तरफ से पॉइंट आए थे, 20.8 रिबाउंड, 10 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनकी तरफ से आया था। अगर यहाँ पर बात करूँ तरुसाई सेंटर फॉरवर्ड की प्लेयर है, रिबाउंड अच्छी खासी करती है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 9.5 पर गेम इनके यहाँ पर रिबाउंड का एवरेज है, 7 रिबाउंड, 6 पॉइंट, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील, लेकिन क्रेडिट 15 क्रेडिट की प्लेयर ये भी है। बाकी काइनर्स के लिए लास्ट मैच यहाँ पर बेस्ट गया था, इनको यहाँ पर आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, 28 मिनट खेलकर 21.5 रिबाउंड, 2 असिस्ट लास्ट मैच में इनके तरफ से आए थे। तरुसा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 3 पॉइंटर शूटर है, 17.2 रिबाउंड, 5 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनके यहाँ पर लास्ट मैचेस में आए थे। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे जो हेड टू हेड मैच रहा था तरुसाई का यहाँ पर बेस्ट गया था, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते सॉरी टर्नर का यहाँ पर बेस्ट गया था, तरुसाई का ये मैच बेस्ट गया था, असिस्ट प्लस रिबाउंड से दोनों से पॉइंट आए थे हेड टू हेड मैचेस में। ग्रीनरी हेड टू हेड मैचेस में 4 ब्लॉक प्लस 2 स्टील इनके तरफ से आए थे। काइनर्स थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस था लेकिन इतने क्रेडिट में एक ठीक ठाक प्लेयर, और डिगी स्मिथ जो कि इनके यहाँ पर उस मैच में न्यू इंजरी हो गई थी तो इसके चलते यहाँ पर ये आउट हो गई थी। तो सभी यहाँ पर जो स्टार्टर है वो यहाँ पर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। अगर बैंस टेन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी बैंस के प्लेयर इनकी तरफ से यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर क्या वेगुन सबसे ठीक ठाक टाइम इनको मिलता है, सेंटर फॉरवर्ड के प्लेयर है, इन स्मिथ को भी टाइम मिल सकता है, वॉलकर में भी इनको भी टाइम मिल सकता है, आप इनको जेल में ट्राई करना क्योंकि यहाँ पर इनकी तरफ से बैंस प्लेयर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और ऑलमोस्ट स्टार्टर जो है तो इनके यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर स्टार्टर है। बाकी यहाँ पर लास्ट मैचेस में यहाँ पर वेगुन को बेस्ट टाइम मिला था, मैच वन साइडेड हो गया था, पीडी को बेस्ट टाइम मिला था, उसी के साथ साथ कुनिंगोम को भी बेस्ट टाइम मिला था, और स्मिथ और वॉलकर को बस यहाँ पर 2-2 मिनट ही मिल पाए थे। बाकी ये
जो तीन प्लेयर है स्टार्टिंग फर्स्ट वाले तीनों, इनके यहाँ पर ठीक ठाक टाइम मिलता है बैन से, अदर प्लेयर को इतना टाइम नहीं मिलता। तो बाकी को वालकर और स्मिथ को दोनों के यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा जेएल के लिए। बाकी स्मॉल लीग के लिए कुनिंगम को ले सकते हो, पीडी को लेके जा सकते हो, और वेगम को आप लेकर जा सकते हो। सेंटर फॉरवर्ड की प्लेयर है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके तरफ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इंडियन फेवर की अगर तरफ से अगर बात करूँ तो मिचेल यहाँ पर स्टार्ट करते हुए देखेंगे। रॉबिन्सन लास्ट मैच यहाँ पर इंजर्ड हो गई थी, गेम टाइम डिसीजन है। अगर रॉबिन्सन नहीं खेले तो रॉबिन्सन की जगह पर आपको कोनिन यहाँ पर एज अ स्टार्टर करते हुए देखेंगे। बाकी टीनो मिचेल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अलिन ने लास्ट मैच यहाँ पर स्टार्ट किया था, आज का मैच भी आपको एज अ स्टार्टर करते हुए देखेंगे। मैगनाउ जिनके यहाँ पर रिसेंटली मैचेस यहाँ पर बेस्ट गए, तो ये भी प्रोबेबली आपको एज अ स्टार्टर मतलब स्टार्ट तो करेंगे। बाकी यहाँ पर प्रोबेबली आपको यहाँ पर कोनिन यहाँ पर स्टार्ट करते देखेंगी अगर यहाँ पर रॉबिन्सन नहीं खेलती। अदरवाइज रॉबिन्सन खेलती तो रॉबिन्सन यहाँ पर स्टार्ट करेंगी। बाकी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर मिचेल की तरफ से आया था। गार्ड की प्लेयर है और 25.3 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनके तरफ से आया था, बेस्ट प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर टिनो मिचेल एक ठीक ठाक प्लेयर है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड से खेलती है, लेकिन यहाँ पर गार्ड पर शो होती है। 12.2 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके तरफ से लास्ट मैच में आता। अलिन लास्ट मैच एज अ स्टार्टर खेलकर आ रही है और एक डिसेंट पिक आपको मिल जाएंगी, प्लस क्रेडिट है और आपके पास अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर मैकनो को रिसेंटली दोनों तीनों मैचेस यहाँ पर बेस्ट गए और इस मैच में फ्री थ्रो से इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दी थी। जिस टीम के अगेंस्ट खेली थी उस टीम का भी यहाँ पर सेंटर जो तो वो यहाँ पर वीक पॉइंट था उस अपोनेंट टीम का, लॉस एंजल्स स्पार्स का एजाउवी इनकी तरफ से सेंटर की प्लेयर है, इतने बेस्ट फॉर्म में रिसेंटली मैचेस में नहीं है। तो मैकनो का परफॉर्मेंस उस मैच में बेस्ट आया था, लेकिन जो हेड टू हेड मैच रहा था हाई क्रेडिट की प्लेयर है, 9.8 रिबाउंड 1 असिस्ट और 2 ब्लॉक, और इतने ज़्यादा क्रेडिट के हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस में बोलूँगा 17.5 क्रेडिट में, अगर इतने पॉइंट आपको अगर कोई प्लेयर दे देती है तो फिर भी ये परफॉर्मेंस जो है तो एवरेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर 17.5 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी यहाँ पर कोनिन ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको स्टार्ट करते देखेंगे, लास्ट मैच में टाइम बहुत कम मिला था, इनको यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैकनो जो कि सेंटर की प्लेयर है ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा। उसी के साथ साथ अलिन स्टार्ट करेंगी, लो क्रेडिट के प्लेयर है ऑलमोस्ट सबके पास यहाँ पर होने वाले। मिचेल एक बेस्ट प्लेयर आपको मिल जाएंगे 12 क्रेडिट में, एक बेटर पिक आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर गार्ड से खेलेंगे। बाकी मिचेल इस टीम के यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है गार्ड की, और थ्री पॉइंटर शूटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये प्लेयर अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट मैच में 7 इनके 3 पॉइंटर थे जिसमें से यहाँ पर इनके 4 कनेक्ट हो गए थे। और जो हेड टू हेड मैच रहा था यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था, 20.3 रिबाउंड 3 असिस्ट और 2 स्टील, बेस्ट परफॉर्मेंस आप यहाँ पर कह सकते हो। इस टीम की स्टार प्लेयर है, लेकर जा सकते हो। कॉनिन क्रेडिट के हिसाब से सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से आप इनको लेके जा सकते हो। अलिन स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्लेयर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 100% आप ओनर के आपके पास हो सकती है, तो इनको यहाँ पर कोई भी नहीं चाहेंगे इनको ड्रॉप करना। बाकी अगर बैंच स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो बैंच से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजुरी है। बाकी यहाँ पर सबसे बेस्ट बैंच प्लेयर विवांस मुझे इनकी तरफ से सबसे बेस्ट बैंच प्लेयर यहाँ पर लगी, रिसेंटली मैचेस में सबसे बेस्ट टाइम मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी सबसे बेस्ट आ रहा है। उसी के साथ साथ बर्लिन और लेवेंडर यहाँ पर ये दोनों अदर यहाँ पर बेंच प्लेयर है, इनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनके थोड़े से यहाँ पर क्रेडिट है लेवेंडर और बर्लिन का भी, तो ज़्यादा इनको यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा नहीं। और विवांस एक और एक प्लेयर है जो कि आपको ऑलमोस्ट 100% आप उनके पास इस टीम की तरफ से यहाँ पर दिखेंगी। अगर बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम के लिए गरीनार जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो थोड़ा सा कम है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग शायद इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉइंट देने में इनका जो रैंक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल 2021 का इनका रैंक है थर्ड रैंक पर है सबसे ज़्यादा पॉइंट देने में, सबसे ज़्यादा रिबाउंड देने में 5th पोजीशन पर है, 5th रैंक इनका है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक करने में 1st पोजीशन पर है। अगर इतने बेटर प्लेयर को अगर आप यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सुसाइड ही आप यहाँ पर कर रहे हो। इवन अगर यहाँ पर ये फ्लॉप हो जाती है तो फिर आपकी टीम ऑलमोस्ट यहाँ पर जीएल तक यहाँ पर आपका जो रैंक रहेगा टॉप रहेगा अगर आप इनको ड्रॉप करके चले जाते हो और यहाँ पर ये प्लेयर फ्लॉप हो जाती। फिलहाल स्मॉल लीग के लिए तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अगर यहाँ पर इनको हम ड्रॉप कर चले जाते तो यहाँ पर ये रिस्क लेने जैसा ही यहाँ पर होगा। बाकी यहाँ पर टर्नर के अलावा कोई बेटर पिक आपको मिलेगा नहीं, स्मिथ को ट्राई कर सकते हो, टाइम बहुत कम मिलेगा। और बर्लिन और लेवेंडर जो कि यहाँ पर इंडियन पेसर्स की तरफ से एज अ बेंच प्लेयर खेलती, लेकिन दोनों के क्रेडिट इनके यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बाकी फॉरवर्ड की अगर बात करूँ तो विवांस एक ऐसी प्लेयर है जो कि सबके पास आपको देखने को मिलेंगी, अलिन
सेकंड एक ऐसी प्लेयर है जो कि आपको सबके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर आप यहाँ पर तरोसाई के साथ जा सकते हो और मिचेल के साथ जा सकते हो। किसी ना किसी पर तो आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर डिगी स्मिथ हो या फिर यहाँ पर हो तरोसाई या फिर हो मिचेल। बाकी फिलहाल इस कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पर टीम बनाकर देखते हैं। विगुन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और 10 क्रेडिट में काई नर्स जो कि यहाँ पर एज ए स्टार्टर खेलेंगे। लास्ट मैच यहाँ पर बेस्ट देकर आ रही तो इजीली यहाँ पर ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये मेरी डेमो ड्रेमोलन टीम है, बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिकी स्मिथ को रिस्क डिकी स्मिथ पर रिस्क लिया हुआ है जिनका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ ESP है। बाकी किसी ना किसी प्लेयर पर तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे वह ग्रेनर हो या फिर हो तरुसाई या फिर हो यहाँ पर टर्नर। इन तीनों प्लेयर में से किसी पर रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर पिक करना है डिकी स्मिथ को। अदरवाइज़ यहाँ पर हम मिचेल को भी अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर ये प्लेयर अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक बेटर प्लेयर को यहाँ पर एक काइनर्स को हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा कोई आपको यहाँ से बेटर पिक आपको मिलेगा नहीं। वालकर इनको अगर पिक करते हो तो फिर भी आपके पास डिगी स्मिथ अवेलेबल नहीं हो जाएंगी। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस टीम की तरफ से कोई क्रेडिट सेवर अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी अवेलेबल है उतने यहाँ पर खेल नहीं रहे इंजरी के चलते। इस टीम के साथ बहुत ज़्यादा इंजरी, तो इंजरी के चलते आपका वो प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे नहीं। तो चॉइस आपकी, आपको यहाँ पर एक प्लेयर पर रिस्क लेना है, लेना तो कन्फर्म है, लेना ही पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर ये सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा ये बनकर आ रहा है। बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बनकर आएगा फाइनल फाइनल न्यूज़ के साथ और फाइनल जो इंजरी अपडेट्स है उनके साथ यहाँ पर फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। SPPP चॉइस की अगर बात करो तो अगर हम यहाँ पर गिरनर को पिक करें तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम इनको यहाँ पर ESP बनाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर VP चॉइस के लिए तरुसाई एक बेटर ऑप्शन है, और उसी के साथ साथ टर्नर को GL में ट्राई कर सकते हो और मिचेल को भी यहाँ पर GL में ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों SPPP चॉइस आपके लिए यहाँ पर GL में। बाकी यहाँ पर तरुसाई एक सेफ यहाँ पर PP चॉइस है जो कि यहाँ पर बॉल हैंडलिंग का काम संभालेंगी, असिस्ट प्लस यहाँ पर 3-पॉइंटर शूटर है, पॉइंट से आपको पॉइंट देती रहेंगी। तो होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ हमने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।